गर्मी की ये सारी सब्जियां बॉटल गार्ड, राउंड गार्ड और स्पॉन्ज गार्ड, इन सभी को लगाने का एक ही तरीका है। अगर आपने भी ये सारी सब्जियां अपने बगीचे में लगाई हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। बीज को लगाने से पहले मिट्टी की गुड़ाई यानी कि टिलिंग ज़रूर करें, उसके बाद बीज को इसमें रख कर उस मिट्टी से कवर कर दें और फिर पानी स्प्रिंकल करें। यही सही तरीका है मिट्टी में बीज लगाने का, क्योंकि इससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। एक हफ्ते के बाद ये बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। जब ये बेल यहाँ तक पहुँच जाएगी तब आपको ये करना है कि इनको वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली ले करना है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको अबंडेंट हार्वेस्ट मिलेगी और दूसरे कि आप इनके नीचे और सब्जियां भी लगा सकते हैं। ले द वाइन्स हॉरिजॉन्टली इन एयर, फ्लावरिंग विल अपीयर इन 40 to 45 days एंड यू विल गेट फर्स्ट हार्वेस्ट इन 60 days। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स विल अपीयर सून ऑन वाइन्स। अगर वहाँ पर कोई नेचुरल पॉलिनेशन नहीं हो रही है तो फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ फेक फ्लावर्स तो गिरते ही हैं, लेकिन आप हैंड पॉलिनेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे भी कुछ मदद मिल जाती है फ्रूटिंग के लिए। अगर आप इस तरह की अबंडेंट हार्वेस्ट चाहते हैं तो कभी कभी इनकी जड़ों में बटर मिल्क या फिर दूध में पानी मिलाकर ज़रूर डालें। महीने में एक दो बार मिट्टी की टिलिंग यानी कि गुडाई ज़रूर करें, जिससे मिट्टी के पोर्स खुल जाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो आप भी पा सकते हैं इस तरह से रिच क्वालिटी और अबंडेंट क्वांटिटी की हार्वेस्ट। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।